हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डाटा करप्शन के बारे में। डाटा करप्शन होता क्या है, वो कैसे होता है और उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबको जैसे कि मालूम है, हमारा जितना भी डाटा है वो हमारे हार्ड ड्राइव में सेव होता है, और हमारे हार्ड ड्राइव में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज सेक्टर होते हैं जो कि वन और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वन और जीरो मिलके हमारी फाइल्स भी बनाते हैं। हमारे जब हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर ये वन और जीरो चलते उधर इधर हो जाते हैं तो हमारा डाटा उससे करप्ट हो सकता है। जब एक फाइल करप्ट होती है तो वो एक जो फोल्डर रहता है उसको भी डैमेज कर देती है। अगर मैं एग्जाम्पल तो बोलूँ तो एक बुक है, उस बुक के पेजेस फट गए हैं और पेजेस उधर उधर भी हो गए हैं, कुछ पेजेस घूम गए हैं, तो वो बुक जो है वो बहुत ज़्यादा अनरीडेबल हो जाएगी। हमें समझ भी नहीं आएगा बीच में के पेजेस के अंदर क्या लिखा था, क्या वो बोलना चाहते थे। अगर स्टोरी बुक है तो हमें स्टोरी समझ में नहीं आएगी। वैसे ही होता है जब डिजिटल करप्शन में भी, जब डिजिटल करप्शन होता है तो हमारे जो हार्ड ड्राइव में जीरोज और वन रहते हैं वो जो रहते हैं वो या तो मैसअप हो जाते हैं, स्क्रैम्बल हो जाते हैं, फिर घूम जाते हैं, यानी लॉस्ट हो जाते हैं, और इसी रीज़न से जो फाइल रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिसे हम डाटा करप्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलते हो जो कि करप्ट हो गई थी, तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको कुछ अजीब से कैरेक्टर्स दिखेंगे, जहाँ पर कंप्यूटर आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि वो फाइल करप्ट हो चुकी थी, अब वो फाइल को रीड नहीं कर सकता है। हमारा जो डाटा है वो कभी भी करप्ट हो सकता है। आप कहते कुछ राइट कर रहे हो अपने कंप्यूटर में तब करप्ट हो सकता है, एडिटिंग के वक्त करप्ट हो सकता है, इवन फाइल ट्रांसफर की तरफ भी करप्ट हो सकता है। अगर कोई प्रोग्राम कुछ कहते प्रोग्राम लिख रहा है, यानी प्रोग्राम चल रहा है, उसको अगर हम इंटरप्ट करते हैं तो कहते जो फाइल है वो कहते मैसअप हो सकती है, जिसके वजह से डाटा करप्ट हो सकता है। इवन जो कुछ कुछ वायरसेस रहते हैं जो कि इंटेंशनली यूज़ कराए जाते हैं कहते फाइल डाटा को करप्ट करने के लिए, ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, और इसलिए वायरसेस हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। लेकिन कभी कभी वायरसेस कोई और कहे कोई मिशन विशन के लिए भी यूज़ करता है। अपने मूवी में देखा होगा तो मिशन विशन के लिए भी यूज़ करते हैं, एक पेनड्राइव लोग डालते हैं, उस पेनड्राइव की वजह से वायरस अंदर जाते हैं और वायरस कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से वो कहते हैं कंप्यूटर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा कंप्यूटर कहते करप्ट हो जाता है। हमारे जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर एक स्पिनिंग डिस्क होती है जिसे प्लैटर कहा जाता है, और ये जो स्पिनिंग डिस्क है इसके अंदर ही जीरो वन कहते स्टोर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो स्पिनिंग डिस्क रहता है इसके अंदर के कुछ कुछ सेक्टर्स जो रहते हैं वो हो जाते हैं लॉक, वो सॉफ्टवेयर एरर के वजह से भी हो सकते हैं या फिर हमारे से गलती से भी हो सकते हैं। तो ये जब लॉक हो जाते हैं इसे सॉफ्ट बैड सेक्टर कहा जाता है, जिसे हम वापस इसे अनलॉक या फिर हम इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डिस्क स्कैन के थ्रू, जो कि मैं आगे की वीडियो में अच्छे से बताऊंगा कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लैटर रहता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है, या फिर हम लोग डिस्क को हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते, लेकिन उसको बहुत रफ यूज़ करते हैं, उसके वजह से फिजिकली इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो सेक्टर्स है वो परमानेंटली डैमेज होते हैं, वहाँ का डाटा परमानेंटली नॉन एक्सेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड ड्राइव वहाँ पर ख़राब हो जाती है, और इसे हार्ड बैड सेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी होता होगा कि आप अपनी हार्ड ड्राइव को बहुत अच्छे से रखते हो, आपके पीसी में एंटीवायरस है, आप अपने हार्ड ड्राइव को एकदम केयर से रखते हो, लेकिन स्टिल वो स्लो हो रही है, क्योंकि जैसे मैं बोला हार्ड ड्राइव जो वो मैकेनिकल डिवाइस है, उसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है, तो वो टाइम के साथ डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पर अगर आप SSD रहता तो उसके अंदर ज़्यादा एडवांटेज रहता है, जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा बड़ी रहती है, क्योंकि SSD के अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते, वो एक फ्लैश मेमोरी है, इसलिए यहाँ पर SSD का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आपको मैनुअली हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक करनी है तो ये तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो कि आप ऑनलाइन ज़रूर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम होती है तो कंप्यूटर एरर मैसेजेस डिस्प्ले कर देता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो हम कहते हैं जो करप्टेड फाइल्स है, जो कि स्पेशली सॉफ्ट बैड सेक्टर्स जो है, अगर हमें उसे ठीक करना है तो उसके लिए कहते हैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। स्टार्ट मेन्यू में आपको CMD टाइप करना पड़ेगा और CMD.exe को आपको खोलना पड़ेगा, जो कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, और उसके अंदर आपको ये कोड डालना पड़ेगा। ये जो कोड है यहाँ पर जो सी है वो रेफर करता है आपके कौन से ड्राइव के अंदर आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, मोस्टली लोगों के सी में ही रहता है। मोस्टली जो F है इसका कमांड का मतलब है कि जितने भी करप्टेड फाइल्स है उसको ढूंढ के वो एरर को सॉल्व करना,
यहाँ पर जो आर है उसका मतलब है जो भी बैड सेक्टर्स है उसे रिकवर करना, और जो एक्स इधर वो रिप्रेजेंट करता है कि कहते आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसे अनमाउंट कर दे ताकि जॉब आराम से होए। लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप ये डिस्क स्कैन कर रहे हो तो फिर इसको कुछ घंटों से लेके एक दिन तक लग सकता है, और इस टाइम पे आपको इस अपना कंप्यूटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मैक यूज़ करते हो तो आपको अपना एप्पल मेन्यू में जाके आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करना है आपको कमांड प्लस आर दबा के रखना है जब तक एप्पल लोगो नहीं आता है। एप्पल लोगो का ना आपको सिलेक्ट डिस यूटिलिटी करके व्यू में कंटिन्यू करके आपको सिलेक्ट ऑल डिवाइसेस शो ऑल डिवाइसेस करके आपको अपना डिस सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करते करप्टेड फाइल्स ढूंढ के उसे ठीक कर देगा। तो हमें पता चल चुका कि कहते फाइल कभी भी करप्ट हो सकती है, इसलिए हमें बैकअप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पूरे कंप्यूटर का बैकअप रखें, लेकिन अपने मेन फाइल्स का बैकअप आपको रखना चाहिए। आप अपने बजट के हिसाब से अपने बैकअप को डिसाइड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल बजट नहीं लेकिन आपके थोड़ी सी फाइल्स है उसके अलावा SSD हार्ड ड्राइव नहीं खरीदना चाहते हो तो आप क्लाउड पर भी अपलोड कर सकते हो, इवन क्लाउड पर भी आप और स्पेस खरीद सकते हो। तो आप अपने बजट के हिसाब से और अपने कहते पोर्टेबिलिटी के हिसाब से अपना कहते बैकअप मेथड चूज़ कर सकते हो। सो इसी गाइस मैं आज कर यही कहता, आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस गिव अ लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जो लाल बटन से दबा दीजिए। गाइस प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी थी या मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।